बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लेन्स। ओके, ए प्लेन इज ए लैंड विद रिलेटिवली लो रिलीफ। इट इज फ्लैट एंड जेंटली रोलिंग। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स। बच्चों प्लेन एक लैंड होता है, ओके, जो लो रिलीफ होता है। प्लेन एक लैंड होता है जो लो रिलीफ होता है, और ये फ्लैट होता है और रोलिंग होता है। ओके, प्लेन को और क्या कहते हैं? लो लैंड्स भी कहते हैं। प्लेन को और क्या कहते हैं? लो लैंड्स भी कहते हैं। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स। ओके, प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स। मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर्स। एच इज द केस ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इन इंडिया। बच्चों वर्ल्ड के मोस्ट प्लेन जो होते हैं और रिवर से बने होते हैं। ओके, मोस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड हैव बीन मेड बाय रिवर्स। ओके, नॉर्थन प्लेन इन इंडिया, इंडिया का नॉर्थन प्लेन्स। वर्ल्ड के कुछ प्लेन्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो रिवर से बने होते हैं, रिवर बनते हैं। और जैसे हमारे इंडिया का नॉर्थन प्लेन्स इन नॉर्थन प्लेन्स रिवर बींग फाइन सील्ड विद डैम विच दे डिपॉजिट इन रिवर वैली। बच्चों ये देखो क्या होता है, रिवर से जो सील्ट आता है वो उधर क्या होता है, प्लेन में रह जाता है। ओके, रिवर से जो धूल हो या रॉक हो ये क्या होता है, आके रिवर में डिपॉजिट मतलब रह जाता है। ओके, लैंड में। फर्टिल प्लेन्स आर फॉर्म बाय दिज डिपॉजिट्स। फर्टिल प्लेन्स आर फार मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लाट्यू बिकॉज क्रॉप्स कैन बी इजिली ग्रोन और ड्यू टू इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बच्चों जो प्लेन्स हैं उधर ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं। ओके, माउंटेन एरिया से प्लेन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लेन का जो क्रॉप्स है वो इजीली ग्रो करता है। प्लेन्स एरिया में क्रॉप इजीली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि उधर वाटर अवेलेबल रहता है, इसलिए प्लेन्स एरिया में इजीली क्रॉप्स ग्रो करता है। ओके, माउंटेन एरिया में उतना वाटर अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए उधर क्रॉप्स इजीली ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए हमारे प्लेन्स एरिया में माउंटेन एरिया से ज़्यादा प्लेन्स एरिया में पॉपुलेशन होता है। ओके, ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि प्लेन्स एरिया में क्रॉप्स इजीली ग्रो करता है। ओके, क्यों इजीली ग्रो करता है? क्योंकि इधर वाटर अवेलेबल रहता है, उधर वाटर रहता है। सम प्लेन्स आर एरिया आर नियर द सी कोस्ट। बच्चों कुछ प्लेन्स एरिया सी के पास होता है। ओके, सी कोस्ट के पास होता है। वाइल सम आर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और कुछ क्या होता है बच्चों? इंटीरियर के अंदर हो, कॉन्टिनेंट के अंदर होता है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन। देखो, प्लेन्स इन द रिवर वैली है फर्टिल सॉयल आर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बच्चों प्लेन्स जो रिवर के पास जो प्लेन्स होता है उसका जो सॉयल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ओके, रिवर वैली के पास जो सॉयल होता है प्लेन का वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ओके, उसके बाद सेटलमेंट एंड लाइफ इन द प्लेन इज इजी। बच्चों प्लेन एरिया में लाइफ बहुत इजी रहता है, इसलिए ज़्यादा लोग रहते हैं। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द बिग सिटी एंड टाउन आर लोकेटेड इन द प्लेन्स। बच्चों जो बड़े बड़े शहर है, सिटी है, वो टाउन है, वो प्लेन्स एरिया में भी होता है। ओके, जो बड़े बड़े सिटी टाउन्स होता है वो प्लेन एरिया में होता है। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट रोड रेलवे एरोड्रोम्स इंडस्ट्री एंड हाउस। बच्चों प्लेन्स एरिया में रोड बनाना, रेलवे लाइन बनाना, रेलवे एरोड्रोम्स ये इंडस्ट्री हाउस बनाना ये सब इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े शहर टाउन प्लेन्स एरिया में होता है। ओके,